नमस्कार, जय राम जी के किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ताज़ा गोबर और गुड़ से। दोस्तों किस प्रकार से कौन सी ऐसी जैविक खाद बनाई जाती है दोस्तों, जिससे आपकी धान की फसल और कोई भी फसल दोस्तों बढ़िया है, बेहतरीन मिलेगी दोस्तों, रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हम ताज़ा गोबर यूज़ कर रहे हैं और दोस्तों इसमें हम ये गुड़ डालेंगे, थोड़ा सा 50 ग्राम गुड़ डालेंगे। लगभग 5 से 6 किलो दोस्तों गोबर यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ये 50 ग्राम चूना डालेंगे, एक तसले मतलब दोस्तों 5 से 6 किलोग्राम में इतनी मात्रा डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो गुड़ और ताज़ा गोबर का काम क्या होता है कि 50% से अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जो पौधा को तुरंत प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों होता यह है कि हम दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम खेत में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। अपना पीछे जो दिख रहा है इस साइड दिखाइए, ये हमारा धान का खेत है दोस्तों, और हमने यहाँ से इस प्रकार से ऐसा कुछ बना के रखा है सिस्टम दोस्तों। यहाँ से जब हमने ये तालाब के टाइप में बना के रखा छोटा सा, और दोस्तों हम यहाँ पे डेली हम गोबर ऐसा करके करते हैं और इसमें डालते हैं दोस्तों, और इसे इस प्रकार से घोल के हम डालते हैं, और दोस्तों ये हमारे खेतों में उतर जाता है सीधे सीधे। और दोस्तों हमारे खेत के उतार हमने ऐसी दे रखी है कि हम एक साइड से छोड़ते हैं और पीछे हमने बंदी बांध के रखी हुई है दोस्तों। पूरा खेत का गोबर का पानी जो है पूरे खेत में घूम जाता है। हम आपको पूरा रिजल्ट दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी खाद ने काम किया है, आप भी देखकर रिजल्ट हैरान रहेंगे। यूरिया, DAP और पोटास जो भी दोस्तों जिंक वगैरह सब खाद फैल जाएगा दोस्तों इस खाद के आगे। चलिए मैं आपको दिखाते हैं रिजल्ट फटाफट। इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है, इस प्रकार से घोलना है, और घोल के दोस्तों हम क्या करते हैं डेली इस प्रकार से यहाँ पे हम डाल देते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, पूरा हम ऐसे ही करते हैं डेली, और हम आपको चलो रिजल्ट दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारी धान की खेती है, और इसमें दोस्तों ये देखिए धान की हाइट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, धान की हाइट ये देखिए हमारी छाती भर है, मतलब लगभग 4 फुट दोस्तों धान की हाइट हो चुकी है। पौधे की अगर बात करें दोस्तों, तो पौधे में देखिए गल्ले भी बहुत ही अच्छे शानदार है, और कलर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को रिजल्ट मिला है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, और यहाँ से दोस्तों ये ऐसा पानी उतर के आता है, और दोस्तों यहाँ से पूरे खेत में चला जाता है, पीछे की ओर बंदी बंदी हुई है दोस्तों, पानी पूरा खेत में रुकता है। ताज़ा गुड़ और गोबर दोस्तों इस तरह से काम करता है कि बिल्कुल एकदम कोई भी फसल हो मरती फसल में जान ला देता है दोस्तों, जिंदी कर देती है मरती फसल को। इससे दोस्तों हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है। हम चाहे कम मात्रा कर सकते हैं गोबर, लेकिन पर्याप्त होना चाहिए। गुड़ की मात्रा कम करो ज़्यादा करो, चूना की मात्रा कम करो ज़्यादा करो। चूना हम इसलिए लेते हैं दोस्तों इसमें, कि चूने से दोस्तों अब हमारे पास कैल्शियम वगैरह तो डालने के लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, हमारी फसल को कठोर बनाने के लिए हम इसमें चूना की मात्रा लेते हैं दोस्तों। इसमें हमने इसके अलावा कोई भी खाद यूज़ नहीं की हुई है। हम करते क्या है, अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो दोस्तों पेड़ में देखिए तना कितना मोटा है, ये देखिए एकदम बढ़िया सा, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा मोटा यानी कि कठोर पौधा है दोस्तों, जिससे क्या होगी हमारी धान गिरेगी नहीं बाद में, और हमारी धान की फसल एकदम अच्छी, जितनी अच्छी पड़वार रहेगी उतनी अच्छी लंबी लंबी बालियाँ निकलेगी दोस्तों। बालियाँ अधिक निकलेगी तो उत्पादन अधिक मिलेगा हमको। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से आपको भी अगर जैविक खेती करते हैं तो आपको भी इस प्रकार से, अगर आप पशु भी पालते हैं तो आपको इस तरह से गोबर को फेंकना नहीं है दोस्तों, बरसात में गोबर बह जाता है। तो दोस्तों हम एक हमने नाड़े बनाया हुआ छोटा सा, और दोस्तों इसके माध्यम से हम यहाँ से ऐसा उतार देते हैं दोस्तों पूरा गोबर को, आप देख सकते हैं इसको पूरा दिखा दीजिए, इधर 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 जैसा दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, अगर पौधे की बात की जाए तो एकदम इतने मोटे मोटे पौधे हैं दोस्तों, एकदम नाड़े बना हुआ है। यहाँ से हमारा पानी जैसा ही गिरता है बरसात में, हमें डालने की जरूरत नहीं है, हमने वहाँ पे घोल के हम डेली डाल देते हैं। और दोस्तों उसमें बस याद रखना है कि चूना और गुड़ जरूर मिलाना है, जिससे क्या होगा हमारी फसल में कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये हमारे बाजू में करेले की बेला लगी हुई है, ये दोस्तों ये भी इसमें भी कोई खाद नहीं डाली हुई है। इसमें देखिए दोस्तों कितने सारे फल लगे हुए, एक बेला में लगभग 1 किलो करेले लगे हुए दोस्तों, बिल्कुल एकदम शानदार हरी भरी दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिए हमारी धान की फसल दोस्तों बहुत ही शानदार है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इससे होता यह दोस्तों कि इसमें कोई भी जैविक खाद डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोबर और गुड़ का कमाल है दोस्तों। गुड़ में वो ताकत होती है जो कि इसमें दोस्तों पोषक तत्व की बात करते हैं हम, तो इसमें मैग्नीज, पोटेशियम, लोहा, खनिज, जिंक, सल्फर, और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा होती है दोस्तों, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। इससे दोस्तों हमारी हम पल पल की खबर देने के लिए खेती बाड़ी संबंधित, सब्जी से संबंधित दोस्तों, बागवानी संबंधित अगर हम जो भी वीडियो लाते हैं तो आप तक पहुँचाना चाहिए दोस्तों, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
ये देख रहे हैं दोस्तों, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया हुआ है कि किस तरह से बनाया हुआ है एकदम वीडियो। और दोस्तों अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते होंगे दोस्तों, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो दोस्तों आप भी एकदम बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, गोबर को करना कुछ नहीं है, एक तसले में लेके घोलना है, उसमें गुड़ डालना है और थोड़ी सी मात्रा चूने की लेना है दोस्तों, 50-50 ग्राम लेना है और एक तसले गोबर में उनको घोल के डाल देना है। और वह खुद अपने खेत में कहीं भी दोस्तों खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोषक तत्व, बरसात का टाइम चल रहा है, खुद ही इसमें पोषक तत्व होता है जो कि वो अपने आप इधर से उधर के चला जाता है दोस्तों, पूरे खेत में घूम जाता है, पानी भरा हुआ है खेत में। तो दोस्तों कहीं भी दिक्कत नहीं है, हमारे धान की फसल आप देख रहे हैं पूरी, दिखा दीजिए इधर साइड पे कि दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों रोग कैसे होगा, गोबर में होती मीथेन गैस दोस्तों इतनी गर्म हो जाती है, होती है कि दोस्तों मीथेन गैस के आगे कोई कीड़े टिक नहीं पाते हैं वहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसमें कोई भी रोग नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। हम इसी प्रकार से करते हैं, अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसको आप अपनाइए इस टेक्निक को दोस्तों, और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक जरूर करिएगा। बंद करके देखकर ये देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको अपना खेत दिखा देते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए। अगर हम बात करें दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं हम, अगर आपको कल्ले दिखा दें तो आप भी देखेंगे कि चलो वास्तव में कल्ले कितने अच्छे हैं, फसल की बढ़वार बहुत अच्छी है। अगर फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती दोस्तों तो क्या होता है, बाली बहुत लंबी आती है दोस्तों। ये देखिए कल्ले भी बहुत अधिक है दोस्तों, और हाइट भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए लगभग दोस्तों 20-20 कल्ले से ऊपर है दोस्तों, जो कि साधारण खाद से डालने के बावजूद भी नहीं आ पाते हैं। यूट्यूब पे कई वीडियो मिलते हैं कि एक पौधे से 100 से 150 कल्ले निकल गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वास्तविकता में दोस्तों कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों जो दिखा रहे हैं, हम तो सीधे दोस्तों आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने इसमें दोस्तों, ये देखिए हमने नाड़े बना के रखा हुआ है, जहाँ से दोस्तों हमारा ऐसा आता है, जैसे ही बारिश होती है हम वहाँ पर डाल के रखते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो दोस्तों वहाँ से वो नाली के माध्यम से पानी उतर के आता है, और जहाँ से दोस्तों पूरे खेत में चला जाता है, और दोस्तों यहाँ से आगे पानी भरा हुआ होता है तो पूरा खेत में घूम जाता है दोस्तों। अभी बरसात बंद हुई है यहाँ पे, तो दोस्तों थोड़ी नहीं है पानी, सिर्फ झील झील में, लेकिन दोस्तों पानी इधर से जाता है तो हमें इस साइड पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये देखिए किस प्रकार से हमारी गोबर की खाद अपने पूरे खेत में घूम जाती है दोस्तों। इसमें देख लीजिए आप, कोई भी इल्ली कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम धान के पत्ती पे कोई भी रोग नहीं है दोस्तों, एकदम खेत पूरा हरा भरा है दोस्तों। ये देखिए बढ़िया शानदार, एकदम हाइट भी पेड़ मजबूत भी हो जाएगा दोस्तों। इसमें 50% से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा है दोस्तों, तो होता यह है कि पौधा पूरा कठोर होने के कारण से एक भी धान नहीं गिरेगी, और इसमें कोई भी दवाई की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती करते दोस्तों तो अपने स्वास्थ्य के लिए इस तरह की खेती को अपनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।